नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आइए जानते हैं क्रिकेट की ताजा तरीन अपडेट्स के बारे में। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा काफी सफल रहा और टेस्ट सीरीज के बाद वनडे में भी टीम इंडिया ने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए 2-1 से सीरीज जीत ली है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया आगे भी ऐसे ही जीते तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें। वैसे विराट एंड कंपनी की सीरीज की जीत में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने काफी अहम रोल निभाया। टेस्ट फिनिशर की भूमिका निभाते हुए तीसरे और आखिरी वनडे में जीत दिला दी। उनका साथ दिया दौरे पर अपना पहला मैच खेल रहे केदार जाधव ने, जिन्होंने नाबाद 61 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं। धोनी ने 74 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत ने वनडे सीरीज भी 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीतने का इतिहास रच डाला। भारत की ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर ये पहली वनडे सीरीज की जीत है। इस फॉर्मेट में उसने ऑस्ट्रेलिया में 1985 में विश्व चैंपियनशिप और 2008 में सीबी सीरीज अपने नाम की थी। बात करें आज के मैच की तो टॉस जीत करके विराट कोहली ने गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में 3 बदलाव हुए थे जो कि आज अपना डेब्यू कर रहे हैं। इसके अलावा राइडू की जगह केदार जाधव और कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल टीम में आए हैं। कुलदीप को आराम दिया गया है और कप्तान कोहली का कुलदीप की जगह चहल को टीम में लाना काफी फायदेमंद साबित हुआ और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन चहल की फिरकी में फंस गई। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की पारी 230 रनों पर ढेर हो गई, जिसमें गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन हुआ और युजवेंद्र चहल ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 42 रन देकर के 6 विकेट हासिल किए। इसके अलावा तेज गेंदबाज शमी ने 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट किया। आज एक बार फिर से विकेट के पीछे धोनी का कमाल देखने को मिला और चहल की गेंद पर शानदार स्टंपिंग का नजारा पेश करते हुए शॉन मार्श को आउट कर दिया। ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने पिछले मैच में भारतीय गेंदबाजों की धुलाई करके शतक जड़ा था। युजवेंद्र चहल ने पीटर हैंडसकॉम के 58 रन की संघर्षपूर्ण मेहनत का काम तमाम कर दिया। उन्होंने 63 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 58 रन बनाए। अंपायर ने उन्हें LBW दिया लेकिन उन्होंने रिव्यू लिया, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही चहल के 5 विकेट पूरे हो गए। इसके पहले एलेक्स कैरी और एरॉन फिंच की ओपनिंग जोड़ी भुवनेश्वर कुमार का शिकार होकर के पवेलियन लौट गई, तो चहल ने अपने पहले ही ओवर में शॉन मार्श और उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेज करके ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। जबकि ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट भी चहल के खाते में गया। उन्होंने स्टॉइनिस को रोहित के हाथों कैच कराया। ग्लेन मैक्सवेल को शमी ने आउट किया तो एक बार फिर से चहल की फिरकी में एक खिलाड़ी फंस गया। इस बार रिचर्डसन आउट हुए। इस मैच के साथ ही चहल ने मचाया तहलका और एक साथ कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो आइए एक नजर डालते हैं उन सभी रिकॉर्ड्स पर कि उन्होंने क्या कमाल दिखाया। अपने इन 6 विकेट के साथ ही युजवेंद्र चहल के ये वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े बन गए हैं। चहल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में ही 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। भारत के लिए वनडे क्रिकेट में चहल 6 विकेट लेने वाले 7वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। किसी भी गेंदबाज के ये वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ आंकड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 और वनडे क्रिकेट की एक पारी में अजंता मेंडिस के बाद 6 विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। युजवेंद्र चहल ने आज अपने वनडे क्रिकेट करियर का दूसरा 5 विकेट हॉल हासिल किया। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी साल 2018 में चहल ने 5 विकेट हॉल हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया की धरती में 5 या उससे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले युजवेंद्र चहल 8वें खिलाड़ी बने हैं। युजवेंद्र चहल पहले ऐसे स्पिनर बने हैं जिन्होंने देश के बाहर 2 5 विकेट हॉल हासिल करने की उपलब्धि हासिल की है। MS धोनी ने आज शॉन मार्श को स्टंपिंग आउट किया था। उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 17वीं स्टंपिंग थी। धोनी ने सबसे ज्यादा श्रीलंका के खिलाफ 24 स्टंपिंग की हुई है। मार्श ने अब तक कुल 60 वनडे पारियां खेली है जिसमें वो 6ठी बार स्टंपिंग आउट हुए हैं। उनसे ज्यादा स्टंपिंग आउट होने का प्रतिशत, जो कि 77 वनडे पारियों में कुल 8 बार स्टंपिंग आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज पीटर हैंडसकॉम ने आज अपने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 4था अर्धशतक लगाया। MS धोनी ने आज अपने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 70वां अर्धशतक लगाया। MS धोनी ने तीसरी बार 3 लगातार अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ साल 2011 और न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2014 में 3 लगातार अर्धशतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती में भारतीय टीम ने पहली बार किसी द्विपक्षीय सीरीज को अपने नाम किया है। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी केदार जाधव ने आज अपने वनडे क्रिकेट करियर का 4था अर्धशतक लगाया। बात करें मैन ऑफ द सीरीज महेंद्र सिंह धोनी की,
तो वो जब बैटिंग कर रहे थे तो मेलबर्न में हर तरफ धोनी की गूंज सुनाई दे रही थी। ये धोनी का इस सीरीज में लगातार तीसरा और कुल 70वां वनडे अर्धशतक है। धोनी ने जहां दूसरे वनडे के अंतिम ओवर्स में सिक्स लगाकर विजय दिलाई थी, वहीं तीसरे वनडे में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नाबाद 87 रन बनाए। 38वें ओवर में धोनी ने अपना 70वां वनडे अर्धशतक पूरा किया और इस सीरीज में ये धोनी का लगातार तीसरा अर्धशतक है। धोनी ने कोई जश्न नहीं मनाया, ना ही अपना बैट हवा में उठाया। धोनी के रिकॉर्ड की तरफ नजर डाले तो टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में शानदार 87 रनों की पारी खेली। इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी विश्व के पहले ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज बने जिन्होंने वनडे क्रिकेट में लगातार तीन पारियों में तीन अर्धशतक लगाए हो। तो दोस्तों, भारतीय टीम को इस जीत पर हम सभी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और कप्तान कोहली इस जीत से आने वाली सीरीज के लिए नए आत्मविश्वास से तैयार रहेंगे। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अपना सुझाव जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।